See, they were beyond this, right? Above to kya bagat, they were beyond this. तो जो चीज़ जो बातें इन्होंने और जिस तरह इनके कलाम में जो टोटल प्योरली हिंदू कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं वो भी तो यहाँ के लोगों को पता चले किसी तरीके से. एक मुस्लिम सल्तनत में बादशाह मुसलमान था बल्कि सुन्नी था और इस तरह की वो चीज़ों के साथ रह रहे थे. लेकिन जो उन्होंने लिखा उसके बावजूद जो कुछ उन्होंने लिखा, आपको पता है बहुत सारे सूफियों को तो कत्ल भी कर दिया गया और प्रोसिक्यूट किया गया. इब्ने अरबी बेचारे भागते फिरे सारी उम्र और फिर पता नहीं उनकी नेचुरल डेथ हुई. अत्तार के लिए कहते हैं इट इज पॉसिबल कि उनको कत्ल कर दिया गया था. दीस वर द स्ट्रेंजेस्ट पीपल रियली. अब अत्तार क्या कहते हैं, सी मुर्ख की कहानी उनकी. सी मुर्ख यानी के सिमर खुदा का एक सिंबल बनाया, ठीक है. अब सी का मतलब होता है 30 और मुर्ख का मतलब है पंछी, ठीक है. तो अब जस्ट इमेजिन ही केम बिफोर रूमी. हाँ, तो एक हुदहुद है खटबड़ाई हम जिसको कहते हैं, तो वो आकर उनसे कहता है कि तुम तो बहुत दुखी हो परिंदों से और चलो अपने जो तुम्हारा मालिक है जो तुम्हारा आका है वो उससे जाकर तुम पूछो अपने दुखों का हल, ठीक है, कि कैसे दुख दूर हो सकते हैं. तो पहले तो वो सब मना करते हैं लेकिन बाद में फिर राजी हो जाते हैं. फिर रास्ता बड़ा मुश्किल है तो लोग परिंदे पक्षी मरते जाते हैं तो 30 पक्षी बचते हैं. अब 30 पक्षियों को लेकर हुदहुद जा रहा है. हुदहुद को वुडपेकर को कहते हैं ना, तो वो लेके जा रहा है. एंड हु डू सी मुर्ख, तो तख्त के ऊपर उन्हें 30 बर्ड्स को उस बादशाह के अपने बादशाह के और जो उनको उनके सारे दुखों का हल बता सकता है क्या नजर आता है, उनको 30 बर्ड्स नजर आते हैं. बिकॉज सी मुर्ख ऑल्सो मीन्स 30 बर्ड्स. और फिर यानी वो अपने आप से मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं. तो दिस वाज एन आइडिया व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय अत्तार के. और यही लेकर फिर रूमी और दूसरे लोग भी चले कि भगवान या खुदा या जो कुछ है अपने आप से बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे अपने अंदर ही है, इससे आगे और कहीं नहीं है. हम आपको एक दो बताते हैं. योगिक जो है ना, योगिक आसन उनका जिक्र जिस तरह से आता है, कहता है कि गुफ्तम के बनवा निर्दमा ताबर रवम बर आसमा गुफ्ता सरे तो निर्दमा सरा दरा वर जेर पाती. मैंने कहा जीना दिखा पहुंचू फलक तक किस तरह, उसने कहा जीना है सर इस सर को ले आ जेरे पैर के नीचे. सर को लिया जेरे पा रखेगा जब सर पर कदम बिछ जाएंगे तारे वहीं चलने लगेगा बार पर तोड़ेगा तू जिस दम हवा. अब आप देखिए ना ह्यूमन बॉडी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. कह रहे हैं कि तुल्फा दरख्त आमद कजू कह सेब रुयत के कदू कह जहर रुयत कह शकर कह दर्द रुयत कह दवा सेब और कद्दू जिसमें हो गए तुरफा शजर तूने दिया है जहर इसमें और शकर है दर्द इसमें और दवा. अभी ये सच्ची बात है कि यही सब चीजें दुनिया में है. फिर वो कहते हैं कैसी अजब ये नहर है. दिस इज द ह्यूमन बॉडी दैट ही डिस्क्राइब्स. कैसी अजब ये नहर है पानी भी इसमें खून भी इसमें शराबी लालक हो. बिल्कुल अल्कोहल तो है हमारे जिस्म के अंदर अल्कोहल. इसमें शराबी लालक हो और दूध और शहदे सफा. दिस इज आल्सो ट्रू कि इंसान के अपने अंदर तो अल्कोहल भी है और उसमें दूध तो है और औरत तो दूध
बनाकर पिलाती भी है और शुगर भी है। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें जिनके बारे में आप गौर न करना चाहें, कोई सोचता नहीं, उस तरह की चीजें ये सोचते रहे। और उन पर इन्होंने कैसे लिखा है, यानी मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी शायरी बन गई। अब देखिए इसमें इनकी ये गजल है, दो शान जाना निमा उफ्ता वखीजा एक कबा, आया था कल जाना मेरा पीकर बस एक जाम सफा, उफ्ता वखीजा मस्त था थी जिस्म पर बस एक कबा। ठीक है ना, अब वो तो है, अब वो तुर्क और हिंदू की बात इसमें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं तुर्क तो मतलब आमतौर पर मुसलमान लिया जाता है, और हिंदू तो क्लियरली हिंदू ही लिखा है, तो उसको मतलब तो हिंदू के अलावा और कुछ नहीं। कहते हैं कि तुर्क को हिंदू मस्त बदमस्ती हमें गर्दन दोष, क्यों तो कस्बे खुश खूनियों मुलहिद दिले दोजर सजा, कल तुर्क को हिंदू मस्त थे करते थे क्या अटकेलियां, मुलहिद हो दोनों जिस तरह लायक बताजीर सजा। एक दूसरे के दुश्मन, दुश्मनों की तरह एक्ट कर रहे थे तुर्क और हिंदू, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन की तरह कर रहे थे। फिर वो कहते हैं गेब पाए हम दिगर, लेकिन वो मस्त थे तो पढ़ने लगे पाँव कभी एक दूसरे के दम बदम, तो एक दूसरे के पाँव पढ़ने लगे, मुजरिम हो जैसे मोतरिफ करते हो जानो तन फिजा, तो दोनों जो है वो अपने आप को इतराफ करने वाले मुजरिमों की तरह एक दूसरे से माफिया मांगने लगे। तुर्क और हिंदू, जिसको आप इस्लाम और हिंदुइज्म भी कह सकते हैं, फिर तुर्क हिंदू हाथ थामे गिर पड़े, सजदा किया उस खाक को जिस पर मेरा महरू था खंदारू खड़ा। फिर दोनों इस्लाम और हिंदुइज्म ने हाथ थामे और गिर पड़े और सजदा किया उस खाक पर जिस पर एक्चुअल हकीकत जो है, असल रियलिटी जिसके ऊपर खड़ी है और जिसको महरू कह रहे हैं। तो उस शह ने गो जाहिर किया है तुर्क को देता सबू, जाहिर तो उसने ये किया कि तुर्क को सबू दे रहा है, लेकिन खफी लेकिन चुपके से हिंदू से भी कहने लगा है ख्वाजा आ। तो बजाहिर आपको लगेगा कि वो, अब आपने सोचे कि एक मुस्लिम एम्पायर में रहते हुए उन्होंने ये सब लिखा कि वो इस्लाम को या मुस्लिम थिंकिंग को तो देने लगा कि हाँ बड़ी अच्छी है, लेकिन दरअसल वो हिंदू को भी कह रहा था कि ख्वाजा आ, और ये जो मेरा सबू है, ये मेरा जाम जो है, मैं तो इनाम दे रहा हूँ, ये तेरे लिए है। फिर कहते हैं और बात बीच में यही है कि लेकिन हुआ जब दूर से जाहिर हमारा महजबी, जब दूर से नजर आया वो जो रियलिटी है, जो एक्चुअल रियलिटी है, तो सागर बकफ सर में नशा चेहरा लिए खुर्शीद सा। तो फिर ये है कि फिर तुर्क को हिंदू हाथ थामे गिर पड़े, सजदा किया उस खाक को जिस पर मेरा महरू था खंदा रुक खड़ा। तो इस तरीके की इनकी चीजें हैं। और फिर सारा जो झगड़ा था उसका अंजाम क्या हुआ, ये भी लिखते हैं। कहते हैं कि शोर व शरर व नफो जरर व खौफ व अमन व जान व तन जुमला रा सैला बुरदा में कशानत सुएला, उफ शोर व शर नफो जरर जंगो अमन ना हो बुका, सबको बहा कर ले गया सैलाब आखिर सुएला। ला का मतलब है नथिंगनेस, राइट। सारे बहस मुबाय से इन झगड़ों को एक सैलाब बहा कर नथिंगनेस की तरफ ले गया, जिससे पहले इतना ज्यादा शोर व शर नफो जरर और ये सब कुछ था। तो ये इस तरीके की इनकी बातें हैं, जो कि मैं चाहती हूँ रियली कि ये हिंदी में आना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई रूमी असल में क्या थे। तो बस एक जगह मैंने इनको इनमें देखा, बड़ी वो फैसिनेटिंग सी गजल है, और उसके अंदर एक गोधूली का कॉन्सेप्ट जो पूरा है। फिर मैंने फर्दर रिसर्च कि ये है कि वो बड़ी कदीम ईरानी कॉन्सेप्ट है ये गोधूली का। वो कहते हैं
ये गजल है बेगाशुद बेगाशुद खुर्शीद अंदर जाशुद खिजीद है खुश तालियां वक्त तुलुए माशुद तो कह कि ना वक्त है सूरज उन्हीं में गिर पड़े। ये चीजें हमारे कल्चर में कितनी वो है बुद्धि भी। तो मुझे याद है एक वक्त होता था जब मेरी अम्मी कहती थी ये ना वक्त है। ना वक्त वो कौन सा, जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं ना वो एक सुकूत का सा वक्त होता है और हमारा जब पत्ते भी हिल रहे होते हैं वो कुछ सुकूत होता है। तो हमारे यहाँ था कि उस वक्त कुछ भी नहीं करते हैं जैसे झाड़ू नहीं देते। तो जैसे मुस्लिम हाउस होल्ड जहाँ मैं रहती थी मुझे नहीं पता कि हिंदुओं में या दूसरे मजहब में ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं है ना। तो देखिए एक वक्त में यानी ये जो कॉन्शियसनेस थी ना एक अजीब सी यानी आप खला की और कायनात की कॉन्शियसनेस ये है इसके अंदर और इट वॉज पार्ट ऑफ अवर कल्चर रियली उसके अंदर घुस गई थी बिल्कुल घुसी भी थी। ना वक्त है ना सूरज कुएं में गिर पड़ा। अब ये इसका लास्ट जो है वो कहते हैं शब माह फुरमन में कुनत एरोज जी बरगाव ने बनगर के राय कह कशां असुंबला पुरकाश शब में है फुरमन माह का। ठीक है ना चांद चांद कब फुरमन है इस रात में ए रोज गाय पर ए दिन तू गाय पर अपना अपनी जीन कस ले। अब गाय जा रही है रात है रात में फुरमन है चांद का और वहां गाय जा रही है। तो कह रहे हैं कि कहकशां जो कि शायद गोधूली कहकशां को कहते हैं नहीं आकाश आकाश गंगा कहते हैं आकाश गंगा तो कहते हैं ना आकाश गंगा। तो मगर आई रेड समवेयर कि दिस इज सपोज टू बी द यहाँ पे जब गाय सफर करती जाए तो यानी अब देखिए ये तो 12th सेंचुरी में ये गाय सफर करके कह रहे हैं कि वो जो राहे कहकशां है आकाश गंगा खोशियों से बस फुरका है। तो उसमें जो है वो गंदम के खोशे गिर पड़े तो भरी हुई है वो तो ए दिन अब तू गाय पर बैठ जा और ये गाय तुझको आकाश गंगा में से लेकर चली जाएगी। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी एक्सट्रीमली इंडियन ये इंडिया की है। हालांकि ही डिड नॉट कम टू इंडिया हाउएवर शिव सबरीज माइट हैव कम टू इंडिया। उनके बारे में मैंने से पढ़ा है कि वो शायद साउथ इंडिया तो वो ही ट्रेवल्ड अ लॉट। रूमी डिड नॉट ट्रेवल दैट मच एक्सेप्ट जब शिव सबरीज गुम हो गए थे तब वो उनको ढूंढते रहे इधर उधर भागते दौड़ते फिरते थे बस ये। तो ये है और आई स्टिल फाइंड हिम वेरी फैसिनेटिंग। आजकल के बहुत अफसोसनाक हालात में जिनसे हमारा सब कॉन्टिनेंट दो चार है इनकी तो अहमियत और इनका रेलेवेंस और भी बढ़ जाता है। और आई वेरी मच विश कि इंडिया में ये चीजें जो हैं ये लोग देख सके। फिर ये भी यहाँ पे एक रूमी का किया था तो मैंने अखबार में पढ़ा था किसी ने कहा था कि भाई हम तो मुस्लिम शायरों का देखिए कितना कर रहे हैं। He was not a Muslim. Not in at all in any sense. And he said it again and again. लेकिन ये है कि वो बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए और उनका जो डिक्शन है उसमें बिल्कुल कुरान का भी बहुत दफा जिक्र आता है। लेकिन वो कुरान का जिक्र इस तरह आता है कि जिस तरह आप समझे कि मैं भी ये पढ़ी थी शाकलत पिटाई का जो कि कोई 250-300 साल पहले हुए। तो वो तो कहते हैं कि शिव को मिलने जा रहे हैं पुजारी और उनको हजरत अली लेकर जा रहे हैं। आई विश आई कुड यू नो रीड इट आउट टू यू बट दे रियली बिलीव्ड वेरी सिंसियरली इन द वननेस ऑफ ऑल रिलीजियंस। और वो उनके लिए ये बात बिल्कुल ही दुरुस्त थी कि हजरत अली जो हैं हमारे वो लेकर और शिव से मिलने शिव के गारों में वो पुजारियों को लेकर जा रहे। एंड वॉट एवर ही इज रिटन अबाउट द योगीज सुरामकली में लिखा वो मैंने आकर आपको यहाँ पर मैं आई थिंक सूफी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया कि मैंने तर्जुमे बहुत किए हैं सूफी शायरों के। आई रेड इट आउट टू देम एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड रियली क्योंकि राजस्थान और सिंध की तो बहुत सारी मिलती जुलती चीजें हैं। तो वो सारी कहानियाँ जो उन्होंने बताई
तो दे कुड यू नो आइडेंटिफाई, जैसे हंगलाज, आपको नहीं पता होगा हंगलाज, मगर राजस्थान के लोगों को पता है, वहां पर लोग जाया करते थे.